हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बस अभी शाम का टाइम है और टाइम हो रहा है 4:30 और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। तो मैं सोची कि चलिए मैं आज आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम ही वीडियो ऐसा होगा जो मैं आप लोगों के साथ इवनिंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं सोची चलो आज इवनिंग मैं क्या करती हूँ मैं आप लोगों को वही दिखाती हूँ। वैसे स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए क्या क्या होता है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बेड को ठीक करूँगी क्योंकि ब्लैंकेट फैला हुआ है, मैं यहीं पर सोई थी और दूसरे रूम पर बच्चे थे तो बच्चे पूरा घर फैला के गए हैं, तो बस उनको ठीक करना है। और दोनों बच्चे गए हैं अभी ट्यूशन, अभी उनके ट्यूशन का टाइम हुआ है और दोनों बच्चे साथ में ही ट्यूशन जाते हैं लेकिन अलग अलग जाते हैं। तो 4 बजे दोनों का टाइमिंग है और 5 बजे दोनों आते हैं। तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा देर फ़ोन चेक करना ये वो, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और हम लोग कर रहे हैं शाम का नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाया है पॉपकॉर्न और पोहा बनाया है। तो ये पोहा बहुत सिंपल वाला पोहा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और मैं लेकर आ गई हूँ अदरक वाली गरम गरम चाय, और ठंडियों के दिन में ब्लैंकेट के अंदर ये अदरक वाली चाय और पोहा का अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सबके साथ पूरी फैमिली बैठी हो और हम लोग इंजॉय करें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ हम लोग पोहा खा रहे हैं, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और साथ में चल रहा है टीवी। तो बस यही है लाइफ, हम लोग की लाइफ यही है। और हम लोग समझ लीजिए ये पागल फैमिली है, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और पागलपंती भी खूब सारा करते हैं। आगे के क्लिप में आप लोग देखेंगे कि आज हम लोगों ने कितनी पागलपंती की। ये आज का ही नहीं, हम लोग का रोज़ का काम है। हम लोग खुश होने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं, हम लोग हर चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो बस ये आज जो भी मैं अपने शेयर कर रही हूँ ये हम लोग की रियल लाइफ है, तो इसीलिए हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी है। मैं तो ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जितना खुश शायद हम लोग हैं उतना कोई भी नहीं होगा। उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं और लाइफ को इंजॉय करते हैं। ना कुछ बोलना चाहते हैं, इसका टेस्ट और बढ़ जाता, छोटा छोटा आलू का टुकड़ा इसमें होता तो और मजा आ जाता। बिहारी बाबू का आलू इतना अच्छा पोहा बना, और इसमें आलू होता तो और अच्छा। ये पॉपकॉर्न में भी आलू होता तो ज्यादा अच्छा लगता है जिया। तो यहाँ पे हस्बैंड आटा रख रहे हैं डब्बे में, मैंने मॉर्निंग में ही डब्बा धो के धूप में डाल दिया था और सूख गया, तो बस उसमें आटा हस्बैंड भर रहे हैं। अब इतना नाश्ता खिलाए हैं तो उसको निकालना तो है ही। यही हस्बैंड कह रहे थे कि खिला ली और अब मुझसे काम करा रही है। तो ये 10 किलो का आटा है तो मुझे नहीं उठाने देते हैं, ये लोग डांटते हैं, इसीलिए मैंने हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड भर के उसे रख देंगे। और यहाँ पे चावल भी ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड चावल भी भर के रख रहे हैं। और आगे की जो जो क्लिप है आप लोग देखेंगे तो जिया इसमें बदमाशी कर रही है। मैं बार बार कह रही हूँ उसे कि कैमरा ऑन है, तुम बाद में खिड़की खोल लेना, लेकिन वो नहीं मान रही थी। देखिए ये लोग कितनी बदमाशियाँ करते हैं। तो आज मैं कोई भी मैंने स्किप नहीं किया है, सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस इंजॉय करिएगा। और इसमें जिया का एक बात सुनिएगा कि रात में धूप आता है, खिड़की बंद भी नहीं हो रहा, नहीं बोल अभी हवा आ रही बेटा, नुकसान करे बेटा, दूसरे के सामने फिर खोल लेना बंद, फिर खोल लेना। अभी हम एक बार फिर से मार, अब जिया अब मार देंगे। जिया पढ़ रही है, देखिए कैमरा ऑन है तो भी ये बदतमीजी कर, कैमरा ऑन है ना तो बंद नहीं कर रहे, बदतमीजी कहाँ कर रहे,
ये खिड़की बंद करने नहीं दे रही है गाइस, इसको कुछ गाइस आ गए हट। ये सब ना यही सब करो ना, टाइम वेस्ट करो। तो यहाँ पे मैं और जीसू बैठे हैं और अभी देखिएगा जब मैं आप लोगों से बताऊंगी कि बेड टूट गया है और नया लेना है तो वो कैसे गुस्साता है और क्या बोलता है, आप लोग ये सुनिए। तो जिया वहाँ पे पढ़ रही है और जीसू यहाँ पे पढ़ रहा है। इसका अभी टेस्ट नहीं है, इसका क्या है प्री बोर्ड ना, इसका प्री बोर्ड है 10 से और जिया का आज से ही टेस्ट स्टार्ट है। आज फर्स्ट था और कल है हिंदी। तो जिया उस रूम में पढ़ रही है, सब लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। तो हम और जीसू यहाँ पे बैठे हैं और जिया वहाँ पढ़ रही है। और मैंने ये पानी का जग निकाल दिया है क्योंकि ये जो था ना तांबा वाला, तो इसमें पानी ठंडा हो जा रहा था तो हस्बैंड को पीने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये निकाल दिए हैं और इसमें गर्म पानी भर के रख दिए हैं तो हस्बैंड पिएंगे गर्म पानी और साथ में ये भी पिएगा, अपना वजन थोड़ा सा कम करेगा। जीसू डाइटिंग पे चल रहा है। नहीं हम पिएंगे ताकि हम डाइटिंग पे चलेंगे ना। और हस्बैंड गए हैं मार्केट, शायद राशन लेने गए हैं तो राशन लेके आ जाएंगे। कहाँ गए पापा? तो राशन लेने के लिए हस्बैंड गए हैं और हम लोग बैठे हैं। तो राशन लेके आएंगे तो फिर देखिए क्या आता है राशन में और खाना क्या बनेगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि बच्चे कह रहे थे और हस्बैंड भी कह रहे थे कि चिकन खाने के लिए, लेकिन चिकन है 120 रुपए किलो और प्याज है 150। तो अब सोच ये रहे कि चिकन तो ले लेंगे लेकिन प्याज कहाँ से लेंगे। तो अभी यही चल रहा है और क्या आता है ये नहीं पता। हस्बैंड गए हैं, उनके मूड के ऊपर है, घर से तो बोल के गए कि नहीं आज नहीं लाऊँगा संडे के दिन, लेकिन जाने के बाद उनके मूड का कोई वो नहीं है, वो ले भी आ सकते हैं। तो अभी बैठे हैं, बैठे बैठे हम लहसुन छील के रख लेंगे और जैसे ही लेकर आएंगे तो फिर बन जाएगा फटाफट। और उस रूम की खिड़की बंद नहीं हो पा रही है, वो पहले से ही उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बंद हो जा रहा था, लेकिन इस बार तो एकदम ही खिड़की बंद नहीं हो रही है। और मैंने हस्बैंड से कहा था कि आज जाके कहाँ पे सिविल में ना, तो सिविल में एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि खिड़की के लिए, और पता नहीं एप्लीकेशन दे के आए भी हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी घर की में कोई प्रॉब्लम होती है तो जाके वहाँ पे बताना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग आते हैं और बना के चले जाते हैं, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, वो फ्री में होता है क्योंकि उन्हीं लोग का रूम है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वही लोग बनाते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जीसू पढ़ ले, फिर हम चुपके से आप लोगों को ना फिर से दिखाएंगे कि ये कैसे पढ़ता है। आज सिर्फ जासूसी करेंगे कि ये कैसे पढ़ता है। और ये 10th का बच्चा है इसीलिए हम अपने साथ लेके बैठे हुए हैं ताकि ये इधर उधर ध्यान ना दे पाए, सिर्फ फोकस। आज ये फ्लावर पॉट कितना अच्छा लग रहा है इसमें देखो। एक ऊपर भी पिंक पिंक है और नीचे भी। बस बेड थोड़ा सा ख़राब है, बेड बहुत बुरी हालत में है। ये देखिए बेड का हालत, ये टूट गया है इधर से। ये मेरे दहेज का है। जीसू कैसे देख रहा है। तो ये दहेज का बेड है, बहुत दिन चला और शादी को इतना साल हो गया
तो चल ही रहा है। तो अब देखिए इसको चेंज करने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन तो क्या वो हाँ तो बता दे कितना पैसा भेज दिए उधर सब। अरे हाँ हम तो भूल गए बता देते कि भैया हमारा घर बन रहा है तो पैसा भेज दीजिए। क्यों तुम नौकरी नहीं करोगे क्या? तुम जब नौकरी करोगे तब बनवा देना, तब बेड भी उसी बनेगा, तो ये बनेगा तो आए दहेज में आ जाएगा बेड ना। तो और क्या बोल रहे जीसू तुम? आप कैमरे में कैद हो चुके हैं। आपने जितनी बुराई की, अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को लगता होगा कि जीसु बहुत शर्मीला है, बहुत चुप रहता है। पता चल गया आप लोग को, अब दोबारा मत बोलिएगा कि मेरा बेटा बहुत सीधा है। जब हमारा ऑपरेशन हुआ था तो हम तुमको रोते हुए देखे नहीं थे ना, तो आपको रोते हुए दिखाते क्या? तो क्या हो गया? तो बनने नहीं हम सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे पर ना नानी को ना नाना ऐसे डांट दिए थे ना कि फिर तो नानी चली गई वापस से डर के मारे रोने, क्योंकि डॉक्टर क्या बोल दिए थे कि उनके सामने मत रोइएगा। क्यों वो रोना देखेंगी तो क्या करेंगी, रोने लगेंगी खुद है वो सांस खींचता। हाँ सांस खींचता। तुम भी आ रही हो इसमें टाके की ना टाका का तुम होता है ना टाका का असर पड़ता है ना करते हैं तो ताजा था ना। तो यहाँ हम लहसुन लेके बैठे हैं और ये आ गया है क्या आया मुर्गा चिकन आया है। इंग्लिश में टॉक करना है, अब हम इंग्लिश में टॉक करने वाले हैं। तो दिस इज चिकन एंड दिस इज गार्लिक, नहीं गार्लिक ना, हाँ दिस इज गार्लिक, दिस इज वेरी कॉस्टली ऑनियन एंड दिस इज जिंजर ना, this is ginger, this is knife, this is tray, this is my son. My son is early morning up and evening down. Yeah? No? Early morning up? Huh. Or evening down. My son. मतलब? My son morning में ऊपर चले जाते हैं, चमकते जो, और जब शाम होता है तो ढल जाते हैं। हमको लगा हमको बोल रही हैं कुछ। तो my son कौन है? इधर सू। ये तो। सूरज ना हुआ। तो सूरज is my son. तो हम जा रहे हैं अब बनाने के लिए चिकन, और आप लोग को बता दिए कि मेरे हाथ में क्या क्या है, शायद आप लोग को समझ आ गया होगा कि आप लोग को इंग्लिश तो आती है। तो चलिए बहुत मजाक हो गया, अब तक हम लहसुन से इंग्लिश में इंग्लिश टॉक इंग्लिश। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग एंग्री, वन स्लैप विथ योर फेस नहीं, वन स्लैप ऑन योर फेस माय मूड इज अपसेट होइंग एंड वेरी वेरी धंकड़ा धंकड़ा, उसके बाद फिर दो थपड़ा थपड़ा बस, उसके बाद नींद इज गोइंग टू क्या बोलते हैं चला गया, नींद उड़ जाएगा मतलब बम ब्लास्टिंग नींद नहीं स्लीपिंग ब्लास्टिंग the sun sleeping blasting one slap no two slap on your face my english is और हमसे बोलो इंग्लिश में बात करना, हम इंग्लिश में अच्छे से बात करना।
उनको नींद आ रहा है। इंग्लिश पापा इज कमिंग, जल्दी जाइए। राशन इज कमिंग, स्पेशल गुड। माय डोनिन इज कमिंग टू राशन विथ हेलमेट विथ ए न्यू जैकेट। आज हम इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं तो हाँ, तो आप भी इंग्लिश में टॉक करिए, सब लोग इंग्लिश में। प्याज छिलिंग, नो प्याज, वेरी कॉस्टली ऑनियन, ऑनियन या, और ये चिकन इज वेरी लो प्राइस। क्या क्या राशन आई, अरे रुक जाओ भैया, काफी आया है। बिल कितनी हुई, 5000। अरे जब अच्छा पिछली बार इतना सारा राशन मंगाए थे तो 6000 का था, इस बार राशन कम आया तो कैसे। बीच में भी जो चावल आता था उसका भी बैलेंस है ना, वो भी देना पड़ा ना, मतलब बैलेंस जीरो है। 4500 कुछ का हुआ। सोट मिल गया पिसा हुआ। हाँ। तब वो काहे के लिए ना खड़ा वाला लिया, जैम मना किए थे ना, एक तो ले लिए, तो जैम तो था। इस बार राशन कितना थोड़ा, पिछली बार कितना सारा राशन आया था, बूस्ट आया है बेटा। मिल्क मेड, इसका डेट देखे हैं, चेक कर लो ना, जिसमें डाउट हो उसको किनारे कर दो, लेकिन सब सही हम देखते हैं। सब बात कर रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश में सब कोई टॉक करेगा। ओके हाँ चलो चलो, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, ओके। हाँ तुम भी बोलो इंग्लिश में, व्हेन आई एंग्री सो यू विल टॉक टू मी, टॉक टू मी। अब गजनी बन जाओ, बाल खरवाने लगो। या सॉरी जिशान, प्लीज क्विट, पुणे प्लीज प्लीज क्वाइट क्वाइट कीप क्वाइट ओके ठीक है। माय डॉटर इज एंग्री यंग मैन, मैन है वो, मैन नहीं गर्ल। लिस्ट लिस्ट से मिलाओ बेटा, चलो अब इसको छोड़ दो, चलो लिस्ट मिलाओ। चलो भैया, चीनी 3 किलो, सरसों का तेल 3 किलो, सरसों रुक जाए रुक जाए, ये सरसों है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों कौन सा है, सरसों तेल, सरसों कौन सा है, मस्टर्ड, इंग्लिश में बोलो मस्टर्ड है ये, हाँ मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल 3 पैकेट, रिफाइंड 2, दे दो इसको भैया को दो। हाँ हाँ, और मिक्स जैम 1 हो। तो टाइम हो रहा है अभी 9 और मेरा खाना बन गया है, हस्बैंड ले आए थे चिकन, तो चिकन बन गया है और उसकी रेसिपी हम शेयर नहीं किए क्योंकि इससे पहले भी हम रेसिपी शेयर कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को साथ में लेके नहीं गए, आप लोग को यहीं छोड़ दिए। तो बस अब रोटी बनाना बाकी है, आटा सान के रख दिए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो, और हम बैठे हैं, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कभी कभी इंग्लिश तो आती है नहीं, अब शायद बच्चों को भी अब शर्म आने लगी है कि उनकी मम्मी इंग्लिश में बात नहीं करती हैं, तो अब इंग्लिश नहीं आती है तो कहाँ से बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, हंसी मजाक में जो भी है जितना भी आता है तो ट्राई कर लेते हैं कभी कभी। हम लोग की तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है, ना ही अच्छी तरह से हिंदी आती है और ना अच्छी तरह से इंग्लिश आती है, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके बोल देते हैं। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं पढ़े तो अब यही इंग्लिश, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों को अब थोड़ी सी शर्म आती है कि भाई उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें। तो बस यही छोटा मोटा था हंसी मजाक जो बच्चे हमको सिखा रहे थे, और अगर ऐसे ही सिखाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग इंग्लिश में भी टॉक कर लेंगे, बच्चे अगर चाहें तो। अब तो बच्चे ही हम लोग को सिखा सकते हैं, अब हम लोग क्या सिखाएंगे।
सब देख रहे हैं मेरा मुंह। टिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़े देर में। कैसा लगा आपको मुर्गा? बहुत अच्छा बना था। हम वो जो बनाए थे उसका बात नहीं कर रहे, जो हम आपको मुर्गा बनाए। कैसा लगा मुर्गा? एकदम थर्ड क्लास। अरे जो बनाए थे थर्ड क्लास बनाए थे, अब कल से खाना नहीं बनाएंगे अब। कैसा लगा मुर्गा? खाना खाने के बाद अब ये चाय पी रहे हैं, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो चलिए वीडियो को आप एंड करिए, आज ये एंड करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैडम क्यूरी का हौसला अफजाई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो के साथ। नहीं तो जैसे हम बोलते हैं ना वैसे बोलिए। बाय बाय। नहीं जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ऐसे करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।